डिलीवरी पसंद होती है, देश को ऐसी नीतियां बनाने की जरूरत है जिससे ईज ऑफ डूइंग बैंकिंग बेहतर हो और सभी को उनकी जरूरत के अनुसार क्रेडिट एक्सेस मिल सके। डीपीआई के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की निरंतर मदद लेनी चाहिए। भारत की प्रगति तेज गति से हो, इंक्लूसिव हो, सस्टेनेबल हो, इसके लिए रिजर्व बैंक को लगातार कदम उठाते रहने होंगे। एक रेगुलेटर के तौर पर आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर में रूल बेस्ड डिसिप्लिन और फाइनेंशियली प्रूडेंशियल प्रैक्टिसेस को सुनिश्चित कराया है, लेकिन इसके साथ ही ये भी आवश्यक है कि आरबीआई विभिन्न सेक्टर्स की भविष्य की जरूरतों का आकलन करते हुए अभी से तैयारी करे, बैंकों को प्रोत्साहित करे, प्रोएक्टिव कदम उठाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार आपके साथ है। आपको याद होगा 10 साल पहले डबल डिजिट की महंगाई से निपटने का रिफ्लेक्शन तब की फाइनेंशियल पॉलिसीज में नहीं दिखता था। इससे निपटने के लिए हमारी सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन्फ्लेशन टारगेटिंग का अधिकार दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने इस मैंडेट पर बहुत अच्छे ढंग से काम भी किया। साथ ही साथ सरकार ने एक्टिव प्राइस मॉनिटरिंग और फिस्कल कंसोलिडेशन, इसके भी कदम उठाए। इसलिए कोरोना संकट हो, अलग अलग देशों में युद्ध की स्थिति हो, तनाव हो, भारत में इन्फ्लेशन मॉडरेट लेवल पर ही रही। साथियों, जिस देश की प्रायोरिटी स्पष्ट हो उसे प्रोग्रेस करने से कोई नहीं रोक सकता। हमने कोरोना के दौरान फाइनेंशियल प्रूडेंस की चिंता भी की और सामान्य नागरिक के जीवन को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यही वजह है कि भारत का गरीब, भारत का मिडिल क्लास उस आपदा से उबरकर अब अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश जहां अभी तक उस झटके से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं इंडियन इकोनॉमी नए रिकॉर्ड बना रही है। भारत की सफलता को आरबीआई वैश्विक स्तर पर ले जा सकता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल और ग्रोथ में एक बैलेंस बनाना किसी भी डेवलपिंग कंट्री की बहुत यूनिक जरूरत होती है। इससे निपटने के लिए कौन कौन से मॉनेटरी टूल्स हो सकते हैं, इसके बारे में सोचना बहुत आवश्यक है। आरबीआई इसके लिए एक मॉडल बनकर ग्लोबल लीडरशिप की भूमिका निभा सकता है और ये बात मैं 10 साल के अनुभव के बाद कहता हूं और ये बात दुनिया को निकट से जानने समझने के बाद कह रहा हूं।
और इससे पूरे ग्लोबल साउथ को बहुत बड़ी मदद मिल सकती है।